My name is Adnan. I have done my graduation from Punjab University, and after that I went to UAE, and my totally career is in UAE based. So first, when I was there, I have started from Etisalat as a sales representative. So there we are doing, it's a e-vision. E-vision is kind of like a cable network here in Pakistan. So there is a e-life, and then they changed it to e-life. Before, there is a e-vision. So we have worked for e-vision. Then we moved to a marketing company, and I have started in IML as a senior supervisor. And then there, I already told you that what is the workflow or what we have done over there. So after that, I think I have done two and a half years in IML, and after that I have moved to Purple Tree. Purple Tree, as I'm working in Purple Tree as an operation manager. Okay. So let's talk about for sure. Aapne apply kiya to apne ki job description dekhi? Ji ma'am. या एक्चुअली मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था तो मैं फूड शॉप पे काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो मैंने इनके बारे में, लेकिन उस टाइम मेरी वो मतलब इस वो अप्रोच नहीं थी, क्योंकि उस तरह बनी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम, तो मैं उस वजह से ये नहीं बना सका. नहीं तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ये था कि इस बिज़नेस में जाऊँ. सो बिगनिंग से मैं फूड शॉप को जानता हूँ, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ. ये तो मैम अगर मतलब टोटली मार्केटिंग जो है हमारा अब यहाँ पे और वहाँ की मार्केटिंग में टोटली डिफरेंट है. यहाँ की मार्केटिंग टोटली डिजिटल मार्केटिंग है, या मीडिया मार्केटिंग है, या आप आउटडोर बैनर्स और इस तरह करके लोगों का ट्रैक कर सकते हैं, या कुछ केबल पे आपने. वहाँ की मार्केटिंग जो हम मैंने की हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से. वहाँ पर हम लोगों को फ्री सैम्पल्स देते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, प्रमोटर्स खड़े करते हैं, ठीक है, और उनको फिर बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं बीच में, लाइक हम उनको गिफ्ट्स देते हैं फ्री में, कुछ मग हो गए, कुछ शर्ट्स हो गए, और समटाइम्स स्क्रैच एंड विन, और जिसमें गोल्ड कॉइन्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी हम करते रहे. जी तो जब तक आपको मार्केटिंग पुश करेगा तो आई थिंक आपकी सेल्स जानी चाहिए. जी ओके. ठीक है. नॉर्मली हम तो ब्रीफ होते थे पहले हर प्रोडक्ट के बारे में. जब हम ब्रीफ होंगे तो डेफिनेटली हम उनको जो हमारे हमें ब्रीफ मिलेगा वो हम उनको आगे ब्रीफ कर सकते हैं कस्टमर को. इसमें मेरा मैं 100-100 बंदे हैंडल करता रहा. उसमें हमारा जो होता था मोस्टली होता था कि हमने जो उनको पे करना है, हम अपना एक बजट रखा जाता था, उसमें कम से कम लेबर में या कम से कम मैन पावर में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना, ये हमारा काम होता था. थेफ्ट को अब उसमें ये था जो हम आउटडोर दे देते थे उसमें तो हमारे लिए मसला होता था, लेकिन जो थेफ्ट ऑफिस से है वो या जो भी रिसीविंग आ रही है वो और वो उसमें से थेफ्ट इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी. मतलब अगर हम उसकी प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं, देने के टाइम पे हम एंट्री कर रहे हैं, जो ऑफिस से वेयर हाउस से या शॉप से वो नहीं जा सकता इतना इजीली. हाँ हम किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं, भाई ये मैं आपको 24 बॉटल्स दे रहा हूँ या आप जाके बाहर बांट दो, वो 24 में से 12 खुद पी जाए या 12 बांट दे, तो वो फिर उस पर था, क्योंकि वो हम उस पर CCTV नहीं लगा सकते थे. जो ऑफिस के एरिया में या हमारे वेयर हाउस में था वो मेरी परमिशन के बगैर नहीं जा सकता था. अगर हम क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि बड़ी जो आउटलेट्स होते हैं लाइक कारफोर हो गए, ये अपना वो मांगते हैं एक डिलीवरी नोट काइंड, तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट बॉटल्स नंबर हर चीज़ मेंशन करनी पड़ती है. मेंशन करके आप उसको जब दोगे वो पेपर दो पे कॉपीज जाते हैं, एक वो साइन करके खुद रखते हैं, एक कॉपी हमको वापस आती है. तो इट मीन्स इट डिलीवर्ड.